बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड स्टार्स पर 24/7 लोगों की निगाहें टिकी रहती है। लोग इन स्टार्स को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन कई बार इनके फेवरेट स्टार्स ही फंस जाते हैं मुसीबत में। जी हाँ, बॉलीवुड में कुछ ऐसे स्टार्स गिरफ्तार हुए हैं जिनके जेल जाने के बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और इनकी गिरफ्तारी ने पूरे हिंदुस्तान को ही हिलाकर रख दिया था। तो चलिए आज हम आपको ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जिनकी गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत का चले जाना लोगों के लिए जितना शॉकिंग था, उतना ही शॉकिंग था रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस से जुड़ना। सुशांत के पिता के सिंह ने जब रिया के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का और आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि ये केस ड्रग के एंगल तक आ पहुंचेगी। रिया को उस दिन से ही नफरत का सामना करना पड़ रहा है, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया ड्रग्स मामले में, तब इसे वन स्टेप क्लोजर टू जस्टिस कहकर पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया। बता दे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिया के सपोर्ट में है। सलमान खान, बॉलीवुड को चलाने वाले खानों में से एक सलमान खान को जब गिरफ्तार किया गया, तब पूरी देश की धड़कन थम गई थी। बता दे सलमान पर दो बड़े केस, हिट एंड रन और काले हिरन का शिकार शामिल है। अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। खबरों के मुताबिक सलमान खान पर 10,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा के खिलाफ अपील करते हुए सलमान के वकील ने सजा निलंबित करने की मांग की। ये केस तब से लेकर आज तक चल ही रहा है। बता दे कि इस केस से जुड़े बाकी कलाकारों को कोर्ट से राहत मिल गई थी। संजय दत्त, 90s के समय में संजय दत्त को मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के समय गैर कानूनी हथियार घर पर रखने के लिए 5 साल की जेल सुनाई गई थी, और जब संजय दत्त की गिरफ्तारी की खबर आई तब सब शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर एक लोकप्रिय एक्टर थे संजय, और करियर वाइज भी आगे तेजी से बढ़ रहे थे वो। उन्होंने जेल में अपनी सजा काटी और फरवरी 2016 को बाहर आए। उनके जेल जाने और वहां से बाहर आने के चर्चे खूब हुए थे। फिर साल 2017 में उन्होंने फिल्म भूमि से फिल्मों में वापसी की, और फैंस ने खुली बाहों से संजू बाबा का स्वागत किया। सूरज पंचोली, बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग इंसिडेंट था जिया खान आत्महत्या केस। जिया खान के जाने के बाद सूरज पंचोली बुरी तरह से फंस गए थे। जिया खान केस में शक की सुई सूरज पंचोली पर आई थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट और जेल के चक्कर लगाने पड़े थे। करियर भी तबाह हो गया, और लोगों ने भी उस वक्त उन्हें गलत समझा। भले ही सूरज को बेल मिल गया, लेकिन अभी भी जिया खान की मां उन पर आरोप लगाती रहती है। शाइनी आहूजा, साल 2009 में शाइनी आहूजा पर अपनी नौकरानी का बलात्कार करने का आरोप लगा, और मामला साबित होने के बाद उन्हें जेल हो गई थी। इसके साथ ही शाइनी का सारा फेम चला गया था, उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, और आज वो गुमनामी में जिंदगी जी रहे हैं। शाइनी आहूजा के इस अरेस्ट ने सबको चौंका दिया था। किसी ने नहीं सोचा कि उन पर ऐसा इल्जाम लग सकता है। बता दे कि 7 साल की सजा सुनाने के बाद उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया, जिसके बाद ही वॉज आउट ऑन बेल। फरदीन खान, लेजेंडरी एक्टर और डायरेक्टर फिरोज खान के बेटे और एक्टर फरदीन खान को कोकेन रखने और सप्लाई करने के लिए जेल जाना पड़ा था, और इनके इस गिरफ्तारी ने भी काफी लाइमलाइट छीना था, और ये उस वक्त का वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक में से एक था। जेल से बाहर आने के बाद उनका करियर ठीक ठाक ही चला, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हालांकि वो कभी बड़े सितारे नहीं बन पाए। जॉन अब्राहम, 2006 में जॉन अब्राहम की बाइक का कंट्रोल खो जाने की वजह से जॉन ने एक साइकिल को टक्कर मार दी थी। इसकी वजह से 2 लोगों को चोट लगी, जिसके बाद जॉन को गैर जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करने का जुर्माना तो भरना पड़ा ही, साथ ही उन्हें 15 दिन जेल में भी बिताना पड़ा था। हालांकि इस बात का असर उनके फिल्मी करियर पर नहीं पड़ा, लेकिन इनके अरेस्ट ने भी काफी लाइमलाइट बटोर लिया था।
क्या आपको ऐसे कोई और स्टार्स के नाम याद आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया? इफ़ यस देन डू कॉमेंट बिलो. ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब.